गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, हिंदी पार्ट 3, जो मुंह पटक और धर पटक की हम कहानी पढ़ रहे थे, आज हम उसको आगे से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसी विचित्र बात सुनकर मुंह पटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंह पटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूं। अब वो लड़का बहुत चालाक था, उसने हाथी को क्या बोला कि चूहा बना दिया और बोले कि अरे ये माँ, इस पहलवान ने तो मेरे इधर क्या फेंका है, चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूं। उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे, फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। उसने बोला, ठीक है, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो इससे निपटेंगे, तुम चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दो। इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा। उसने फिर बोला कि माँ ये चूहा तो कहाँ गिर पड़ा, नाली में गिर पड़ा। धारपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है, वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। उसने बोला, जब उसका लड़का इतना ताकतवर है तो वो भी मेरे जैसा क्या होगा, बलशाली होगा। घर के सामने काफ़ी ऊंचा ताड़ का पेड़ था। धारपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। उसने लड़के से कहा, लड़के तुम्हारे पिताजी को बोल देना मेरे को एक छड़ी की ज़रूरत थी, छड़ी मतलब एक डंडे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इस पेड़ को उखाड़ कर ले जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। अब उस लड़का बड़ा चालाक था तो उसने बोला, दंत खुदनी मतलब उसके पिताजी जो है वो इतने मोटे, उससे क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं। उतने बड़े पेड़ की सीख कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज में फैल गई। वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुँह पटक के घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वो आदमी। फिर धरपटक उसने ऐसा बोला तो वो जो पहलवान था उसकी आंखें अचरज में फैल गई कि अरे इतने, इससे ये तो इतने भारी पेड़ से मतलब दांतों को साफ करता है। फिर बेटे ने कहा, वो हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। फिर उसके पिताजी आए तो उन्होंने पूछा कि वो आया था तो वो कहाँ गया, तुमने उसको क्या बोला। फिर बेटे ने कहा कि वो हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया। मुँह पटक ने मुँह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ नहीं कहा। उसने उससे पूछा कि क्यों तुमने उसको कुछ नहीं बोला। बेटे ने जवाब दिया, जब वो लेकर भाग ही गया तो उससे मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुँह पटक को बहुत गुस्सा आया। अब लड़के की बात सुनी तो उसको बड़ा क्या हुआ, गुस्सा आया। वो बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। अब उसने क्या बोला कि तुमने ऐसा बोला, मेरा नाम तुमने क्या कर दिया, डुबो दिया, क्या तुम उसका मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। उसने बोला, क्या तुम उसको मुँह ऐसा जवाब देते, मुँह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, चलो मैं तुम्हें अभी लेकर नदी में फेंक आता हूँ। और उसने कहा कि चलो मैं तुमको लेके कहाँ फेंक देता हूँ, नदी में फेंक देता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था जहाँ भी बेटा घबरा कर रोएगा वो उसे चेतावनी देकर माफ़ कर देगा। बेटे को तो सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर उसका बेटा रोया ना उससे कुछ कहा। वो तो उस लड़के को सिर्फ डराना चाहता था, वो सोचता था कि बस जब लड़का अगर डरेगा और उसको बोल देगा कि पिताजी अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसको क्या कर देगा, माफ़ भी कर देगा। लेकिन बेटा सारे रास्ते ना रोया ना घबराया। मुँह पटक उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे। अब मुँह पटक ने उस लड़के को डराने के लिए क्या बोला कि हम नदी के पास पहुँच गए। तो बेटा भी चालाक था, उसने बोला, हाँ पिताजी मुझे भी लहरों के क्या लग रहे, छींटे लग रहे। इस जवाब से मुँह पटक को बड़ी हैरानी, अब उसको बड़ी हैरानी क्योंकि नदी तो थोड़ी सी क्या बची थी, दूर बची थी। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बता, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं। अब फिर उसने लड़के को नीचे उतारा और बोला कि वो आदमी आया था तो तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं। बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था
कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोननी सीख लेकर भाग रहा है। उसने बोला, बस मैंने तो उससे नहीं बोला था, मैंने माँ से बोला था कि माँ ये पिताजी की दंत खोनने सीख लेकर क्या कर रहा है, भाग रहा है। मुंह पटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। फिर उसने उसकी पीठ थपथपा कर कहा कि शाबाश, तुम मेरे ही बेटे हो। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।